नमाज पढ़ने आए हैं, हमें क्या करना है? नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नेक्स्ट टाइम थोड़ा करें उसको ऑपरेट। थैंक यू। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है, साबिक डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद इमरान को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी हां, जुमा नमाज के लिए जा रहे शेख मोहम्मद इमरान जो मीरवाइज का इस्तकबाल करने के लिए जामा मस्जिद श्रीनगर जा रहे थे, तो पुलिस ने ख्वाजा बाजर के करीब शेख मोहम्मद इमरान को फ़िलहाल हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि शेख मोहम्मद इमरान के जो करीबी साथी हैं उनका कहना था कि शेख मोहम्मद इमरान जामा मस्जिद की तरफ जुमा नमाज के लिए जा रहे थे, तो पुलिस ने उनको फ़िलहाल हिरासत में ले लिया है और शेख मोहम्मद इमरान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जुमा नमाज के लिए जा रहे शेख मोहम्मद इमरान मीरवाइज़ का इस्तकबाल करने के लिए जामा मस्जिद जा रहे थे, तो पुलिस ने उनको बीच रास्ते पकड़कर हिरासत में ले लिया है। फ़िलहाल शेख मोहम्मद इमरान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जामा मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी गई है शेख मोहम्मद इमरान को। ज़राए के मुताबिक शेख मोहम्मद इमरान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है इससे पहले कि वो मीरवाइज के साथ जुमा नमाज, चूँकि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक को लगभग 4 साल के बाद नज़रबंदी से रिहा करके आज पहली बार जुमा नमाज के लिए इजाज़त दी गई है, शेख मोहम्मद इमरान को फ़िलहाल हिरासत में ले लिया गया है। Thank you.